सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो चार्ल्स स्पीयरमैन का द्विकारक बुद्धि सिद्धांत हम आज समझने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जी फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी की, जिसको दिया था एल्फ्रेड बिने ने। तो इस तरह से हम थ्योरीज को समझेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे इनकी थ्योरी की, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, जो डिफरेंस है इनके टू फैक्टर्स में, जी और एस फैक्टर में, उसको समझेंगे और कुछ बेहतर एक समझ बना पाएंगे इस थ्योरी की। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन बेसिकली एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, जिनको जाना जाता है एक पायोनियर की तरह, फैक्टर एनालिसिस का फादर भी इन्हें कहा जाता है, मतलब फैक्टर एनालिसिस का जनक कहा जाता है इनको। इसके अलावा इन्होंने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात की, ये प्रभावित थे सर फ्रांसिस गाल्टन से, जिन्होंने पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने इंटेलिजेंस पर काम किया था 1880 में, और विलियम वुंट जो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर थे उनसे भी ये प्रभावित थे। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स, मतलब दो प्रकार के फैक्टर्स से, दो तत्व से मिलकर के बना है इंटेलिजेंस, जिसमें एक का नाम है जनरल और जी फैक्टर, और दूसरा है स्पेसिफिक और एस फैक्टर। जनरल फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि तत्व और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट बुद्धि तत्व। बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो एल्फ्रेड बिने का सिद्धांत था यूनिफैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी, जिसमें वो कहते थे कि सिर्फ एक ही फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, उसको क्रिटिसाइज करके इन्होंने दो फैक्टर्स बनाए। तो इसको हम कह सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, देखेंगे अगर हम समझें जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर है क्या। तो यहां पर एक एग्जांपल हो सकता है अगर हम आसानी से इसको समझना चाहें कि जनरल फैक्टर क्या है। विराट कोहली क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो उनकी एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। लेकिन अगर वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो उनकी फिजिकल एबिलिटी है, मतलब एक जनरल एबिलिटी है कि वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। इसी तरह से अगर यहां पर हम बात करें तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, और वो जब बैडमिंटन खेलती हैं तो वो उनकी विशिष्ट एक विशेषता है, स्पेसिफिक एबिलिटी है, जिसमें वो बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन इस तरह से अगर यहां पर हम देखें तो जनरल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं विराट कोहली जब वो फुटबॉल खेलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर पक्ष में, पर्टिकुलर एबिलिटी में बहुत अच्छा होता है, तो उसका वहां स्पेसिफिक फैक्टर बहुत अच्छा है। बाकी जी फैक्टर को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको समझेंगे आगे। अगर हम बात करें तो जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर मतलब आपके अंदर एक जनरल तत्व है, एक सामान्य है, जो आपकी सभी कार्यों में काम आएगा, चाहे फिर आप कोई भी काम करें, सभी में वो जी फैक्टर इन्वॉल्व है, और ये हेरिडिटी से आपको मिलता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर एक एस फैक्टर होता है, जिसको आप ट्रेन करके, एजुकेट करके खुद को बेहतर कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी को। जैसे मैकेनिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में आप बेहतर कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में, क्योंकि आपने उसको ट्रेन किया उस एक एबिलिटी को, उस एक स्पोर्ट्स में। स्पेशल एबिलिटी आपकी अलग हो सकती है, जो व्यक्ति हो सकता है मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है म्यूजिक में उसकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी है वो उतनी अच्छी ना हो। तो इस तरह से जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी की इन्होंने बात की है। इसको अगर हम और अच्छे से समझें एक डिफरेंस के साथ, तो जनरल एबिलिटी बेसिकली जी फैक्टर प्रोवाइड्स द बेस टू परफॉर्म एनी टास्क, मतलब जो जनरल एबिलिटी है उसको बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी अपनी एक प्रतिक्रिया में, क्रिया में, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में। इट इज इनेट एंड रिसीव्ड बाय हेरिडिटी, ये आंतरिक है और क्या है, आनुवांशिकता से आता है, तो आप इसको बदल नहीं सकते। दूसरा, स्पेसिफिक एबिलिटी की अगर हम दूसरी साइड बात करें तो यहां पर टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली वन नीड सम स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑल्सो, दिस स्पेसिफिक एबिलिटी इज कॉल्ड द एस फैक्टर। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपके सभी कार्यों में, सारे टास्क को परफॉर्म करने में एक जी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, एक सामान्य तत्व इन्वॉल्व है बुद्धि का, लेकिन आप जब कोई पर्टिकुलर टास्क करते हैं किसी एक बेहतर करने के लिए, किसी भी एक टास्क को, उसमें आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी होनी चाहिए, और ये जो स्पेसिफिक एबिलिटी है इसको इन्होंने एस फैक्टर कहा। दूसरा पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर। अब जो जनरल एबिलिटी है वो आपके अंदर पैदाइशी से है, बेसिकली आपकी हेरिडिटी से आई है, आपकी जीन्स से आई है, आप उसको ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू बेहतर नहीं कर सकते, और ये आपके सभी टास्क में काम आती है, चाहे आप कोई भी स्पेसिफिक काम करें तब भी एक जनरल एबिलिटी इन्वॉल्व होगी वहां पर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पेसिफिक एबिलिटी कहता है कि एस फैक्टर इज चेंजेबल इन नेचर एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। दूसरी तरफ आप जो एस फैक्टर को क्या कर सकते हैं, ट्रेन करके, एजुकेट करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन ने बिलीव किया, माना ऐसा कि जो जी फैक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस फैक्टर्स से। और यहां पर अगर हम बात करें तो एस फैक्टर इज एप्लीकेबल इन सम स्पेसिफिक फील्ड। क्यों है ऐसा,
क्योंकि स्पेसिफिक फील्ड में किसी एक विशिष्ट एक किसी काम में काम आएगा स्पेसिफिक फैक्टर, लेकिन जो जनरल एबिलिटी है या जनरल फैक्टर है वो आपके सभी कार्यों में काम आता है। तो ये जरूरी है कि आपके पास जनरल फैक्टर हो, तभी आप किसी एक स्पेसिफिक में अच्छा कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो इफ जी फैक्टर इज लेस इन अ पर्सन, एस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप्ड टू इट्स बेस्ट। अगर आपके अंदर हेरिडिटी से ही जो आपका जी फैक्टर रिलेटेड है अगर वो ही बहुत अच्छा नहीं है, अगर कम है जी फैक्टर, तो आप बाकी की स्पेसिफिक एबिलिटीज भी फुल एकदम जो फुल लेंथ है या एक फुल जो पोटेंशियल है वहां तक डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि आपका जी फैक्टर हो, तभी आपका एस फैक्टर बेहतर होगा। नेक्स्ट है, वी नीड वन टाइप ऑफ एस फैक्टर टू डू वन टास्क एंड अनदर टाइप फॉर डिफरेंट स्किल सेट्स। मतलब हम किसी एक काम में एक एस फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे काम में किसी दूसरे एस फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा बेटर है ये डिपेंड करेगा आपने कितना ट्रेन किया है, आप कितने बेहतर हैं उस फील्ड में। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन सेड दैट एवरी टास्क नीडेड बोथ अ कॉमन जी फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो हर एक टास्क में जी फैक्टर भी चाहिए और स्पेसिफिक फैक्टर भी चाहिए, लेकिन जी क्या है, सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है, और एस क्या है, मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। एक व्यक्ति के पास म्यूजिक में हो सकता है हाई हो एस फैक्टर, लेकिन मैथमेटिक्स में वही चीज लो हो। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं आपकी, जो अलग अलग एरियाज में काम आती हैं। आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी को। अगर हम बात करें तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि इंटेलिजेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं बार बार। स्पीयरमैन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यही पूछ लेता है कई बार कौन सा फैक्टर दिया है, इतना ही पूछा है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म जी फैक्टर गिवन बाय स्पीयरमैन रेफर्स टू। जो स्पीयरमैन के द्वारा जी फैक्टर दिया गया है वो क्या मतलब है उसका, जनरल एबिलिटीज है, ग्रुप फैक्टर्स है, जनरेशन फैक्टर्स है, जनरल स्ट्रेंथ है। तो हमने अभी पढ़ा है जी और एस फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर और या फिर जनरल एबिलिटी जिसको कहेंगे या फिर स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जी फैक्टर स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी या सामान्य बुद्धि तत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस। मतलब कि इनमें से कौन सी एक बात सही है इंटेलिजेंस के विषय में। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, या फिर सभी। तो इंटेलिजेंस सब कुछ है बेसिकली। ये आपकी सीखने की क्षमता भी है, ये आपकी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की क्षमता भी है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट की भी क्षमता है ये, जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो डी जो ऑप्शन है इसका सही हुआ, ये सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, बिने साइमन टेस्ट मेजर। जो बिने और साइमन का टेस्ट था 1905 में जो हुआ, उसमें बेसिकली क्या मेजर किया गया, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को, जनरल इंटेलिजेंस को, एटीट्यूड को या एप्टीट्यूड को। तो यहां पर इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस को मेजर किया, और ये जो स्पेसिफिक जो एबिलिटी वाली अपनी टू फैक्टर थ्योरी है चार्ल्स स्पीयरमैन की, इसको 1904 में उन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, इंटेलिजेंस अटेन इट्स मैक्सिमम लेवल एट द एज ऑफ। जो बुद्धि है वो कौन से टाइम पर मैक्सिमम लेवल अटेन कर लेती है, कब तक, 10 से 11 वर्ष में, 15 से 16 वर्ष में, 19 से 20 या फिर 40 से 41। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्शन है, जहां पर अगर हम बात करें तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर आंसर होगा 15 से 16 वर्ष में एकदम मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लेती है, 18 से पहले पहले बेसिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय हूम। तो टू फैक्टर थ्योरी प्याजे, वेस्लर, बिने या स्पीयरमैन, तो बिल्कुल स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी की बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को हम डिस्कस करेंगे, हमने दो थ्योरीज को डिस्कस कर लिया विद क्वेश्चन, इसके अलावा बाकी की थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। अभी फैक्टर थ्योरीज चल रही हैं, मोनो फैक्टर किया है हमने, टू फैक्टर किया है, नेक्स्ट में हम मल्टी फैक्टर करेंगे, फिर ग्रुप फैक्टर करेंगे। ये जो स्पीयरमैन का सिद्धांत था इसको बेसिकली क्रिटिसाइज किया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी में थर्स्टन ने, तो ये भी हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। और मल्टीपल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम करेंगे, तो एक एक करके काम होता रहेगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज इमांशी साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट।